देखिए भाई, आप गेस करिए इनकी एज कितनी है, देखिए जरा। बताइए भाई कितनी एज है आपकी? 42 सर। 42 की एज है। 42 के हैं और देखिए क्या फिटनेस लेवल है भाई। पर पोजिंग आती नहीं आती भाई आपको? पोजिंग नहीं आती सर, वेरी नॉर्मल आती है। अच्छा हमारे नितेश भाई हैं भाई, इनका आपने इंटरव्यू करा था याद है? और भाई कैसे हुआ वीडियो के बाद, मुझे बताओ क्या चल रहा है? बहुत अच्छा सर, अब लग रहा हूँ घर बैठे आराम से कमा रहा हूँ मैं आपकी वजह से। आपने बोला था एक थैंक यू बोल देना, तो मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने इसको बोला था वीडियो में, बोला था मैंने, आपने बोला था थैंक यू बोल देना बस। कभी भी हमारे को कुछ नहीं चाहिए होता, हमारे को सिर्फ एक थैंक यू चाहिए होता है बस, कि यार एक थैंक यू से हम खुश हो जाते हैं। काम चल गया ना सही? और वो ट्रेनिंग के लिए जो आपने दिया है सर, जो उन्होंने भी खोला है, तो स्टार्ट कर दिया है। सब सही हो गया ना मामला? सॉर्टेड, घर वाले सब खुश हैं? सब बढ़िया सर। तो इनके घर वाले बहुत वरिड थे जब हमने इनका इंटरव्यू किया था 1-1.5 महीना पहले, क्या करेगा नितेश, कैसे करेगा। अब आपके प्यार से इनका घर भी सही चल रहा है, अभी बड़ी बिल्डिंग में भी फोकस कर रहे हैं। सब सही है? अब देखा ना भाई, सब बढ़िया। चलो भाई जान, अभी नहीं, अभी 10 के बाद। ये कौन है भाई, इसको देखा होगा नहीं? ये अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं भाई। गगन कहाँ है? गगन क्या है भाई जान? गगन फुल फॉर्म में है इस टाइम पे, बीसी में गोल्ड मारा ना। अच्छा, कब? अभी सर 2020 को, 2020 को, 2021 को था, पहले वो शिफ्ट हो गया। तो भैया इनके घर कैसे? हाँ जी है ना, सब तो पता है। हाँ, वेजिटेरियन। और सब घर में खुश है सब? हाँ जी सर, सब सब ठीक है, सब बढ़िया सर। तैयारी सही रही? हाँ जी सर, बढ़िया। नॉन वेजिटेरियन? ये तो नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, तो आज जिम बंद है? खुला भाई? खुला हुआ है, खुला हुआ। तो गाइस, मैं आज आपको मिलाने आया हूँ दो बॉडी बिल्डर, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यार लोग कहते हैं वेजिटेरियन की बॉडी नहीं बन सकती, बॉडी नहीं बन सकती, तो हम दोनों एक ही साथ एक ही जिम में दिखाने वाला हूँ आपको। दोनों अपनी डाइट बताएंगे, आप ही मुझे बताना दोनों की बॉडी कैसी लगी, क्योंकि वेजिटेरियन की भी बॉडी बन सकती है। मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एक साथ एक ही जिम में ट्रेनिंग करते हुए अपने गुरु के साथ, कोच के साथ मजा आने वाला है। चलिए आइए। पहले मैं आपको मिलाऊंगा वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर से। तो ये हमारे कमल भाई हैं, तैयार कर रहे हैं लड़कों को। कैसे कमल भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए। कमल भाई की हमने एक स्टोरी भी डाली थी इनके घर में, हमने इनका फ्रिज खोल के दिखाया था। याद है भाई? हाँ जी। क्या बात है। तो ये हमारे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, एक बार पोजिंग हो जाए। तो गुस्से में रहता है भाई बहुत। नाम क्या आपका भाई? दिनेश। दिनेश शौकीन। शौकीन हो आप? हाँ जी। कितने शौकीन हो आप? सरनेम है सर, सरनेम है। जाट भाई हो आप? हाँ जी। शौकीन कितने, ये तो बताओ आप? अभी ये तो पता नहीं। कितने रंगीले हो? बहुत कम। बहुत कम? दांत तो आपका नीला है जिसके पूरे, जिसे पता लगता है। ये कुछ दिक्कत हो गई, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। वैसे सब सही है? हाँ वैसे सही है। रंगीले नहीं हो मतलब? नहीं, कम हूँ। हूँ लेकिन? हूँ मतलब कितने हूँ मतलब बताओ तो। बहुत कम हूँ सर। कैसे, क्या करते हो रंगीलेपन के लिए बताओ सुनो। कुछ नहीं सर, घूमना फिरना दोस्तों के साथ बस यही। बस यही? हाँ जी। अच्छा, एज कितनी है आपकी? एज 25। करते क्या हो? जिम है सर मेरा। कैसा जिम है? हाँ जी। सब बढ़िया है, मस्ती कर रहे हो फिर तो? कहाँ पे है जिम? ये छावला गाँव में है सर, नजफगढ़ के पास। पास में ही है? हाँ जी। भी अच्छा सेटअप लगा रहा है। क्या बात है। ये तो हमारे नितेश भाई, नितेश आजकल ऑनलाइन पीटी में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, इसको मैंने बोला थोड़ा ऑनलाइन पकड़ अपने क्लाइंट्स वगैरह, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में क्या है ना, अगर आप खुद अपना अर्न अच्छा नहीं कर रहे तो घर वालों का पैसा कब तक लगवाओगे, क्योंकि आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है भाई। इसको बताया था मैंने भाई। हाँ, तो मैंने इसको यही बोला कि भाई अपने ऑनलाइन पीटी वगैरह पे ध्यान दे। आ गई हैं इसके पास काफ़ी, आए अभी 10-12 पीटी तो आ गई हैं अच्छी अच्छी इसके पास, तो उससे काफ़ी इसका हो जाता है उसका। और उसका तो आपको पता ही है, एम्बेसी वगैरह में देता है, अमेरिकन एम्बेसी में पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। तो अमेरिकन भी लगने शुरू हो गए भाई? नहीं, बाल कटा लगे जो भी रहेंगे। जी हाँ जी भाई, बिल्कुल बन जाओ आप वैसे ही, क्या कहते हो? नहीं हाँ जी हाँ जी। कितने क्लाइंट हैं आपके अमेरिकन एम्बेसी? अभी हैं 8-9। नहीं, घर वाले खुश हैं क्योंकि अभी जैसे मेडल लाया तो घर वाले कह रहे कि यार अच्छा है, मतलब प्राउड फील करते हैं। और मेरे फादर वो जो हैं भाई, हाँ वो बड़े भाई प्राउड फील करते हैं कि उनको भी लगता था कि हाँ एक करेगा करेगा, तो उनको भी अच्छा लगा काफी कि हाँ करके दिखाया, कर रहा है अभी। और अभी जाना जैसे और करना चाहता हूँ आगे लाइफ में और कुछ।
कि भाई अभी अच्छे लेवल पे मतलब कम्पीट करना। ये जो वेजिटेरियन लोग हैं इनकी बॉडी कैसे बन सकती है भाई? ये तो वेजिटेरियन है ना, ये मुझे याद है, तो क्या डाइट रहती है इनकी? की डाइट में जैसे बॉयल्ड राजमा वगैरह ज़्यादा डाल रखे हैं, वाइट चिक हो गया और ये चिक पीस, हाँ चिक चने, सफ़ेद चने, सफ़ेद चने और राजमा और इसको पल्सेस भी सारी में कदम बॉयल्ड ही ना खा सकता है दाल। हाँ, वेजिटेरियन में सबसे ज़्यादा दिक्कत एक होती है कि वाटर होल्ड की, वाटर बहुत होल्ड करती है बॉडी इनकी ना, नॉन वेजिटेरियन की इतनी वाटर होल्ड नहीं करती, जैसे इसकी बॉडी वाटर बहुत जल्दी पकड़ जाती है, उसके लिए लास्ट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसको, इनके अकॉर्डिंग थोड़ी तपस्या इसकी ज़्यादा, वाटर में उसका थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होल्ड करवाना। अच्छा, तो कैसे मतलब क्या क्या डाइट प्लान तो बताएंगे, क्या रहता है वेजिटेरियन डाइट प्लान? भैया अभी बिल्कुल प्योर, जैसे ब्रोकली बहुत खाता है ये, और राजमा इसके बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं मैंने, उबले हुए राजमा खा जितना खा सकता, उसके अंदर टूफू डलवा दिया थोड़ा सा, ठीक है, और कॉर्न्स डलवा दिए, राजमा और कॉर्न्स, कॉर्न्स और टूफू पनीर, जब भूख लगे खाओ, जब भूख लगे साथ में थोड़े ब्रोकली ले ले, यही सब चीज़ों से। कितने मील्स खाते भाई हमारे हैं भाई, घर में रखे हैं 7 मील्स, तो 7 भाई ब्रोकली खाते हो आप? ब्रोकली हो गई, एस्पेग्रस हो गई, ठीक है, और लेट्यूस हो गया थोड़ा, नहीं रोटी तो नहीं, रोटी तो बंद ही है, राइस हाँ खा लेता हूँ लंच में, ब्राउन राइस प्रेफर कर लेता हूँ, ब्राउन राइस के साथ थोड़ी दाल हो गई, कोई पल्सेस और ब्रोकली हो गई साथ में, ब्रोकली के साथ अपना थोड़ा टोफू भी खा लेता हूँ। तो एक मील क्या रहता है तुम्हारा, मतलब टिपिकल क्या मील होता है? मतलब ब्रेकफास्ट वैसे क्या ज़्यादा कितने मील, 5-7 में से 4 मील कौन? चार मील जैसे सुबह उठा, जैसे अभी कंपटीशन है, कंपटीशन से एक हफ्ते पहले तो मैं जैसे पोहा भी खा लेता हूँ बेसिकली वर्कआउट से पहले, एक गुड कार्ब्स के लिए, ठीक है, थोड़ा शकरकंदी भी ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद वर्कआउट के बाद जैसे आया घर, हल्के से ब्राउन राइस हो गए, ब्राउन राइस के बाद थोड़ी ब्रोकली हो गई, टोफू हो गया, ये सारी चीज़ें, एस्पेग्रस हो गया डिनर में, बॉयल कर ली उसको। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में तो पता नहीं बस, लेकिन वही शतावरी, शतावरी कहते हैं, शतावरी कुछ कहते हैं, शतावरी है ना, मैंने भी गूगल ही करा था भाई। शतावरी बहुत अच्छा, ये डायरोटिक है ना, पानी सोख लेता है, पानी भी कहते हैं, प्रोटीन भी इसमें सही है, और पानी भी मतलब फ्रेश आउट कर देता है, काफी अच्छी रिजल्ट मेरे को उससे मिलता है डेफिनेटली। तीन चार भाई लेते हैं? नहीं, 3-4 तो नहीं, डिनर में ही प्रेफर बस, बाकी लंच में क्योंकि इजीली कार्ब्स मतलब वर्कआउट करने के बाद थोड़ा ये है कि मैं ब्राउन राइस खा लेता हूं, कार्ब्स के इतने इश्यूज नहीं होते बेसिकली, जब लास्ट में जैसे जीरो कार्ब पर डालना है, इनकी डाइट्स में ये बहुत दिक्कत आती है, जीरो कार्ब्स में डाले कैसे, हर वेजिटेरियन सोर्स में थोड़ा सा कार्ब्स है, हर चीज में कहीं ना कहीं हिडन कार्ब्स चल जा ही रहे हैं बॉडी के अंदर ना, कैसे करते हैं वही भी आप वाटर की, वाटर पर बहुत खिंचवाना पड़ता है इसका लास्ट में ना, मतलब लास्ट में जैसे इसको वाटर, मैंने इस बार मैंने इसका 12 घंटे इसका पानी बिल्कुल बंद करवा दिया, तो बहुत थोड़ा थोड़ा मतलब प्यास लगे तो बस हल्का सा मुंह में पानी ले लो थोड़ा सा बस। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं भाई, ये हमारे नॉन वेजिटेरियन है भाई, आप भी करो पोजिंग भाई दोनों। नॉन वेजिटेरियन में जैसे नितेश है, ये 12 महीने अच्छी डाइट करता है, ये हमेशा बॉइल्ड ज़्यादा खाता है, बॉइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करता है, मैंने इसको कभी फालतू देखा नहीं उल्टा सीधा खाते हुए, घर का ही खाना खाता है, खुद बनाता है अपनी सारी मील्स, हमेशा क्लीन पे रहता है, तो इसकी बॉडी आप देखो जैसे ऑक्सीजन में भी पूरा देखो, इसकी बॉडी कंडीशन देखो आप ऑक्सीजन के अंदर, अच्छा बॉडी में मैच्योरिटी तो अच्छी है, थोड़ा पोजिंग प्रैक्टिस की अच्छी नहीं है। तो क्या इनको क्या खिलाते हैं नॉन वेजिटेरियन में, क्या क्या होता है इसको? यही बॉयल्ड चिकन, और एक टाइम पे चिकन डाल रखा है, एक टाइम पे फिश कर रखी है, बॉयल्ड राइस कर रखी है, पल्सेस वगैरह सब में, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन हो, थोड़े बहुत पल्सेस वगैरह तो मैं सबको ही रखता हूँ। मतलब तो ज़्यादातर चिकन, क्या इनकी क्या डाइट रहती है सुबह से शाम तक? ये मॉर्निंग में जैसे चिकन लेता है और एग वाइट लेता है, साथ में दो या तीन स्लाइस ब्रेड लेता है मल्टीग्रेन, उसके बाद थोड़े बहुत में वेजिटेरियंस में जैसे ब्रोकली ले लेता है, लेक्टस ले लेता है, सलाद पत्ता वगैरह ले लेता है, बेल पेपर ले लेता है थोड़ा बहुत। तो इनके लिए तो आसान होगा ना नॉन वेज डाइट, तो बहुत आसान हो जाती है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मैं खुद नॉन वेज खाता हूँ तो मेरे को पता है कि बहुत ऑप्शंस हैं मेरे पास, चिकन ले लिया चिकन से दिल भर गया, थोड़े दिन फिश पे आ जाओ, ऑप्शन है, एक टाइम चिकन ले लो, एक टाइम फिश ले लो, लेकिन वेजिटेरियन के लिए बहुत वाकई में बहुत टफ। भाई दूर क्यों खड़े भाई, दिक्कत होती है भाई तुम्हें? नहीं सर, दिक्कत तो होती है थोड़ी। भाई नहीं सर, अभी तो कुछ प्लान नहीं है, मतलब यही है कि अभी मैंने सोचा था पहले कि कुछ घर वालों से बात डिस्कस करके, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि अभी ऐसे ही करो, जहाँ तक पहले जा सकते हो देखो अपना, अभी तो कुछ घर वालों से कुछ मतलब परमिशन नहीं। कहाँ जा रहे हो? मतलब कंपटीशन में जैसे जहाँ तक कम्पीट कर सकते हो ऐसे ही वेजिटेरियन, तुम वेजिटेरियन में कम्पीट कर सकते हो वहाँ तक तो करो, उसके बाद फिर देखते हैं। और मेरे को लगता है ये खुद भी पता नहीं खा पाएगा नहीं खा पाएगा, क्योंकि जब तक इसने बचपन से आज तक टच ही नहीं करा जिस चीज़ को, तो कैसे खाएगा, मुश्किल है क्योंकि नाम ले रखा है ना मैंने गुरु जी, इसकी वजह से अभी मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं सर। तुम्हारी वाइफ भी वेजिटेरियन? हाँ जी, प्योर वेजिटेरियन है, पूरी फैमिली में सारे वेजिटेरियन, पूरा हमने इंटरव्यू कर रखा है, इसको पता है भाई का, सारे वेजिटेरियन, भाई भी पापा भी मम्मी। तो तुम वो प्रथा तोड़ने वाले हो? सर अभी तक तो सर घर वाले बिल्कुल ही खिलाफ हैं इस चीज़ के, घर वाले तो कहते हैं भैया जब हम नहीं होंगे तब कर लियो, जब हम चले जाएंगे, बाकी अभी तक तो कुछ बिल्कुल मना करते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली। हाँ देखिए भाई, आप गेस करिए इनकी एज कितनी है, देखिए ज़रा भाई कितनी एज है आपकी? 42 सर। 42 की एज है इनकी, दिक्कत ये है इनके हाथ ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं 42 के हैं, और देखिए क्या फिटनेस लेवल है भाई, मेरी पोजिंग आती नहीं आती भाई आपको? पोजिंग नहीं आती सर, वैसे वेरी नॉर्मल आती है। बच्चे कितने हैं आपके? दो बच्चे सर। बड़ा बच्चा कितने साल का?
बड़ा 16 का होगा सर दिसंबर में। 16 साल का लड़का आपका? हाँ सर। और दूसरा एक लड़के सर, वो 14 की। 16 साल का लड़का और 14 साल की लड़की। लड़की आप तो खुद अभी लड़के हैं यार। ये अभी बड़े हैं सर 3 महीने में। काफी बैठी रहे 3 महीने से 5 घंटे एक्सरसाइज कराते, 2 घंटे भैया सुबह कराते, 2 शाम को, और 2 पैरों में दौड़ने जाते हैं 1.5 घंटा। और आर्मी से हैं, आर्मी से उन्होंने अभी रिटायरमेंट हुए हैं और अभी दिल्ली पुलिस के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। अभी मैंने 78 से 66 इतना वेट किया। 1 जनवरी से रोटी नहीं खाई मैंने। 1 जनवरी से रोटी नहीं खाई। एक जनवरी से रोटी नहीं खाई। अच्छा इस साल? अच्छा मैं 3 महीने में रोटी नहीं खाई। क्या खा रहे हो फिर? शेक वगैरह पी देते हैं सर थोड़ा बहुत, और अंडे खाते, कभी खा लेते कभी नहीं खाते। इतनी ज्यादा बताओ तो सुबह ब्रेड उसके अंदर पीनट बटर लगा के या एक केला उसके साथ में, फिर यहाँ से एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा दूध और केला, फिर उसके बाद में थोड़ी सी मूंगफली और सॉफ्ट चने काले को खाते, उसके बाद में दोपहर में फिर एक बार 250 ml से ज्यादा दूध और एक चिकन नहीं खाते सर। वेजिटेरियन? एक्चुअली वर्कआउट इतना ज्यादा कर लेते हैं ना, इतनी हाई पोटेंस एक्सरसाइज कर जाते हैं, कुछ कर लेते हैं एक दिन में, कार्डियो भी और क्रॉसफिट भी, वेट ट्रेनिंग भी। किस चीज़ का गुस्सा आपको भाईजान? तो मुझे लगता है इस चक्कर में फैट चढ़ता ही नहीं है बॉडी के ऊपर ना, कुछ भी खाते हैं तो वो चीज़ बॉडी के ऊपर, इसलिए कि बताओ ना भी फैट तो आता नहीं है। तरह से फिजिकल के लिए तैयार होना था, मैं भैया बोला था मैं मेरे को फिजिकल के तैयार, बोले मैं हाँ मैं दिल्ली पुलिस का मेरे को मैं फिजिकल करना है, बोले कैसे भी हो जाए। भैया से हमको एप्स बताया था मैंने, 15 दिन में एप्स निकाल दिए, लगातार एप्स मारता था 1.5 घंटे। 15 दिन में एप्स निकाल दिए। क्या करा था? कुछ नहीं, वही है लो कैलोरी लेता था मैं, 1200-1500 कैलोरी दिन की ना। अभी वही ले रहे हो? अभी वही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेना स्टार्ट किया, रनिंग के लिए थोड़ी ज्यादा चीज फिर दौड़ नहीं पाते। पास देख रहे हो फिटनेस लेवल भाईजान का। You say all the right things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. You just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. It feels right. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could. You give me high, you're right, you're right. I'm feeling blue. It's on you. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक प्री वर्कआउट भी है और साथ में एक फैट बर्नर भी है। होली का टाइम आ गया है, यू वांट लुक श्रेडेड राइट, तो ये मैं भाई के साथ देने वाला हूँ, ट्राई करा रहा हूँ उनको, तो ये मुझे देने वाले हैं इसकी रियल टाइम फीडबैक कि भाई प्रोडक्ट में कितना कम है, ये करेंगे इसके साथ और मुझे बताएंगे इसके रिजल्ट की कैसा फील हुआ। तो प्री वर्कआउट के पैसे नहीं खर्चने आपका, सबसे बड़ी बात मसाला फ्लेवर, कोई टैबलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, श्रेडेड होने का फास्ट फॉर्मूला, ये देखो, ये देख रहे स्मूथ। You make all my dreams come true. It feels right. ऐसा प्री वर्कआउट का टेस्ट बताओ। टेस्ट बहुत बढ़िया है। बढ़िया लगा? ऐसा कभी पिया ही नहीं, फर्स्ट टाइम पिया। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया टेस्ट किया। तो आज देखो गाइस, ट्राई करना, ये वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, ये वेजिटेरियन ले रहे हैं प्री वर्कआउट। और you get me high, you're my drug when I'm feeling blue. Yeah, it's all you. ये हमारे मेडल्स, टीजी टॉक्स के एक्सक्लूसिव मेडल्स हमारे कमल भाई के लिए, फॉर शेयरिंग अ स्टोरी भाई। आप भी देखे मेडल का भूखा होता है और ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ भाई। और हमारे दूसरे गगन भैया जी, आ जाओ ये लो आपके लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग अ स्टोरी यार। थैंक यू पहले आपका सर्टिफिकेट है उनका भिजवा दे रही, ठीक है ना भाई? बढ़िया गाइस, अब आपको पता लग गया होगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर दोनों पॉसिबल हैं यहाँ। ये मत सोचो कि नॉन वेजिटेरियन की बॉडी नहीं बन सकती, वेजिटेरियन की बॉडी नहीं बन सकती। मेरे हमारे वेजिटेरियन भाई देख रहे हो लगे हुए हैं पूरे, तो फिर हम वेट कर रहे हैं गाइस जूस का, जूस का ग्लास पीएंगे उसके बाद निकलेंगे
दूसरे एथलीट के पास आए। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, बाय द वे जाते जाते कमल भाई अपना इंस्टाग्राम तो बता दो सबको। मेरा इंस्टाग्राम है kamalgoswami_18। तो अगर आपको भी कोचिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो हमारे कमल गोस्वामी को रीच आउट करो। इनका इंस्टाग्राम आपको पता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं तो आपको मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग।